दोस्तों आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है तो पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित देश स्विट्जरलैंड होगा। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं तो जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूरा यूरोप युद्ध के अंदर शामिल था, वहीं स्विट्जरलैंड निकलौता ऐसा देश था जो युद्ध से बाहर था। पर आखिर क्यों, ऐसा क्या खास है स्विट्जरलैंड के अंदर कि कोई भी स्विट्जरलैंड पर चाहकर भी हमला और कब्जा नहीं कर पाता, ऐसा क्या खास है स्विट्जरलैंड के अंदर? तो देखो यार, स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अपने देश को युद्ध से बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था, जिसमें उसने देश के अंदर आने वाले सभी एंट्रेंस के अंदर डायनामाइट लगा दिए थे ताकि कोई भी दुश्मन देश के अंदर ना आ पाए। और इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड की ज्यादातर पॉपुलेशन उनके देश के बॉर्डर के आसपास ही रहती है, क्योंकि बीच के अंदर उनके देश के अंदर एल्प्स की पहाड़ियां आ जाती है और स्विट्जरलैंड इन्हीं पहाड़ियों के बीच में अपने आर्मी के मिलिट्री बेसिस को बनाकर रखा है। और इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड के हर एक नागरिक को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, इसके साथ साथ हथियारों की ट्रेनिंग भी लेनी होती है, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड का हर एक नागरिक डायरेक्ट मिलिट्री का सोल्जर भी होता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से स्विट्जरलैंड के ऊपर हमला और कब्जा नहीं किया जा सकता।